एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कूचबिहार। बहुत ही सुंदर जगह है एंड बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज। तो चलिए, पहुंच गए हैं गोशानीमारी राजपाट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाली में लिखा हुआ है इस जगह के बारे में, और दूसरी साइड में यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। और यह है एंट्री गेट, यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं लगता है, फ्री एंट्री है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये एरिया। तो अभी हम लोग को इस सीढ़ी से ऊपर जाना है। इस जगह के बारे में कुछ फैक्ट्स है, मैं आपको बता देती हूँ। 11th टू 12th सेंचुरी के बीच पाल और सेना के राजवंशों ने कामता के साम्राज्य स्थापित किया। फिर खेन साम्राज्य के द्वारा इस जगह पर 1498 तक शासन किया गया। कोच साम्राज्य के राजा नीलंबर, उनका साम्राज्य बंगाल तक ही नहीं था बल्कि कामरूप और दरंग डिस्ट्रिक्ट जो कि है असम में, और मायमन सिंह जो कि है अभी बांग्लादेश में, तो वहाँ तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। लेकिन 16th सेंचुरी में राजा नीलंबर को सुल्तान हुसैन शाह ने युद्ध में हरा दिया। उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ आया तब उन्होंने इंग्लिश उच्चारण के कारण कुछ शब्द को कुछ बिहार में बदल दिया, तभी से ये डिस्ट्रिक्ट कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक प्लेन एरिया है, अभी कुछ है नहीं यहाँ पे फिलहाल। लेकिन कहा जाता है कि कांतेश्वर राजा का पैलेस हुआ करता था यहाँ पे, और जब सर्वे के दौरान यहाँ पे मिला दो कुआं और ये कुछ वॉल्स। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग जो ये वॉल देख रहे हो पीछे, ये वो वॉल है जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान जब यहाँ पे रिसर्च किया तब ये वॉल और दो कुआं है ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगी उन दोनों, मतलब जमीन के ऊपर उन लोगों को मिला जब खोज किया उन लोगों ने, तो ये वॉल और वो दो कुआं मिला। और भी बहुत कुछ बर्तन एंड भगवान के मूर्ति वगैरह मिला। वो आगे एक छोटा सा म्यूजियम है, वहाँ पे रखा गया है। क्या क्या भी जो भी यहाँ से मिला वो सब उस म्यूजियम के अंदर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी जाके अगर वो म्यूजियम खुला रहता है। वो म्यूजियम में पहले भी आई हूँ तब वो बंद था, पर आज अगर खुला रहता है तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि उस म्यूजियम के अंदर में क्या क्या सामान है। तो ये है वो कुआ जो रिसर्च करने टाइम मिला, और दूसरा वाला उस साइड पे है। बाउंड्रीज नहीं हुआ करते थे, अगर ये बाउंड्रीज अभी नहीं होते तो मैं आगे जाके आप लोगों को और भी अच्छी तरह से दिखा सकती थी कि ये अंदर से कैसा दिखता है। ये भी रहस्य की बात है कि पूरा पैलेस इस जमीन के नीचे धंसा हुआ है, लेकिन ऊपर है बस ये दो कुआं और कुछ वॉल्स। और वो है आगे इस जगह का म्यूजियम,
खुदाई करते टाइम यहाँ पे जो भी कुछ मिला था वो सब सामान उस म्यूजियम के अंदर रखा है, चलिए जाके देखते हैं। म्यूजियम का मेन डोर तो बंद है लेकिन साइड में ही एक खिड़की खुला हुआ है, तो मैं आप लोगों को खिड़की से ही दिखा देती हूँ कि अंदर क्या क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे है कुछ मिट्टी के बर्तन और कुछ मूर्तियाँ। पत्थर जैसा है ये यहाँ पे किसी ने लाया नहीं है, ये अपने आप ऊपर पाया गया है। तो फ्रेंड्स ये था गोशानेमारी राजपाट। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट में, और आप लोगों को अगर और भी ज्यादा नॉलेज आप लोगों को चाहिए, जानना है इस जगह के बारे में, तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस जगह के बारे में। ठीक है, तब के लिए बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो। Thank you.